सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आज के इस वीडियो में कोई RC24 का गेम प्ले नहीं होने वाला है, बल्कि हम लूडो खेलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो RC24 की नहीं आएगी, उसकी रेगुलर आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ नया देख लो। तो यहाँ पे हम 77 मतलब कि 43 रुपये यहाँ पे हमने लगाई थी इस मैच में। देख भाई, नॉर्मल ऐसे ही मतलब इन्जॉय के लिए, अगर आप भाई अपने रिस्क पे खेलना, मतलब मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि ये सब चीज़ खेलो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है यार। और मैं वैसे भी ना तो किसी ऐप का भी प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, ऐसा सोचा चलो यार थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, अपनी तो भाई एक आई है और अपोनेंट पहले ही भाई 13 यानी कि 12 पॉइंट का लीड ले लिया है। और इस लीड की वजह से देखो, हमारी 4 ही पॉइंट अब तक हुई है, लेकिन अपोनेंट कहीं ना कहीं कमाल तरीके से खेल रहा है। भाई साहब, कुछ अच्छी स्ट्रैटजी लगानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे हमारी लॉस कन्फर्म है। भाई बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, खतरनाक पॉइंट से आगे चल रहा है। मेरी 8-10 पॉइंट है, जबकि उस बंदे की भाई लीड देखो, छक्के पे छक्के 5-6, भाई गजब की सीन चल रही है। फिलहाल यहाँ पे 3 आया, क्या परफेक्ट नंबर आ रहे हैं उसके यार। लेकिन इस बार फाइनली हमारा 6 आ चुका है, और इसमें गाइस 3 के साथ हम बढ़ेंगे। ये वाला दोनों जो हमारी गोटी है वो 8-8 पॉइंट दे रही है, तो भाई किसी को भी चलेंगे, कोई मसला नहीं है। तो भाई यहाँ पे 5 आ चुका है हमारा, और आप देख सकते हैं भाई अभी भी अपोनेंट के 5 ही लीड है, और ये लीड भाई बहुत ही खतरनाक होती है। लास्ट में चल के इतना भाई थ्रिलर ही होने वाला है ना, जबकि आप भी सोचोगे भाई ये कैसे हो गया, बहुत थ्रिलर मैच था ये भाई साहब, अलग लेवल का। यहाँ पे 31 पॉइंट मिल चुके हैं, 45 पॉइंट अपोनेंट के हैं। हमने थोड़ी सी रिस्क ली है, और इस रिस्क के साथ कहीं ना कहीं शायद हमने एक बड़ी गलती कर दी। क्या, अगर एक आ गई तो यहाँ पे हमारी बहुत तगड़ी -4 आ गई। चल भाई एक चांस तो बच गए, लेकिन अभी भी खतरे के मुंह में ही हैं हम। और ए रहा 2 भाई, थोड़ा सा सुकून, और 5 आ चुका है फाइनली। अब अपोनेंट के लिए काटने के लिए कम से कम 1-6 नहीं, यहाँ पे शायद हम बिल्कुल बच चुके हैं। रिस्क के साथ फाइनली रिवार्ड हमें मिल चुका है। कहीं ना कहीं गाइस ये अच्छा मैच अब तक तो दिख रहा है हमारे साइड में। अपोनेंट भी अब रिस्क ले रहा है, लेकिन रिस्क लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है उसको भाई थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर के आना पड़ेगा। हमने थोड़ा सा स्टॉम्प पे देख ली थी कौन सी गोटी कितने नंबर दे रही है। 6 आ गया अपोनेंट का, और 3 आ गया भाई यहाँ पे, क्या करेगा देखने वाली बात। पीछे वाली गोटी चला है, हमारा 2 आया यार, अपना किस्मत तो भाई पता ना गधे की गाछ पर चढ़ा है। यहाँ पे देखते हैं अब क्या करता है अपोनेंट। 6, अरे बहुत 6 आ गए इसके, सत्यानाश हो यार, 6 ख़त्म भैया। चलो कोई ना कोई ना, अभी भी लीड अपोनेंट के पास तगड़ी है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम भी भाई पूरे तरीके से इस मैच में अपोनेंट को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। अगर एक भी बाइट उसकी गोटी हो जाती है, एक भी बाइट अगर हम कर देते हैं ना, तो भाई मज़ा आ जाएगा फिर। वैसे गाइस मैं ज़्यादा मैं खेलता नहीं हूँ कभी, हाँ खेलता हूँ लेकिन बहुत कम, कभी कभी खेल लेता हूँ जब टाइम मिलता है तो। यहाँ पे चलो गाइस देखते हैं, ए वाली 3 आ गई। गाइस ऐसा नहीं है कि मैं इसी की वीडियो डालूंगा, आप लोग एक बार बताना कि क्या कभी कभी इसकी वीडियो डालना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और भाई वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भाई थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। और भाई ये लीड देखो, अपोनेंट की लीड भाई साहब पूरे तरीके से थ्रिलर होने वाला है, मैंने बोला था ना आपको। और देखो अभी, लेकिन ये गलती अपोनेंट ने करी है कि अपनी स्टॉम्प पे एक भी गोटी नहीं रखी है, जो कि भाई ये कहीं ना कहीं उसकी वीक स्ट्रैटजी है भाई। इस गेम में ए लो भैया, हम थोड़ी सी लीड तो पकड़ लिए हैं, थोड़ी सी, लेकिन भाई यहाँ पे एक गोटी उसकी बाइट करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है, तब जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। वरना भैया हम तो गए भैया। चलो कोई ना, अभी भी थोड़ी सी तो टाइम भाई ज़्यादा बची नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है टाइम बहुत कम है, ठीक है। 6 मिनट के करीब टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम है, तो चलो देखते हैं। एक आया यहाँ पे अपोनेंट का, अभी भाई भारी भरकम लीड है अपोनेंट के पास, लेकिन हम कोशिश करने वाले हैं दोनों गोटी में से एक कोई गोटी को हम बाइट कर दें, ताकि थोड़ा सा राहत मिले। 2 यार क्या ही बोला जाए यार, आता ही नहीं है टाइम पे, और धीरे धीरे टाइम भी ख़त्म हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे 2 मिनट से भी कम बची है भाई, हमें कोशिश करना है कम से कम एक गोटी को और हम रेड कर दें, ताकि अपना थोड़ा सा वो इन मतलब ओ मिल गई पॉइंट। ये रही बहुत बड़ी गलती अपोनेंट की, बहुत बड़ी। और भाई यहाँ से हम लीड ले लिए हैं अच्छी खासी, अब थोड़ा सा हम वेट कर कर के इसको खेलेंगे, मतलब थोड़ा सा टाइम मतलब गुजारने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अंदर आ चुके हैं हम, अब देखते हैं। 202 हमारा आ चुका है, एक ही बार में मैच को बदल दी है पूरे तरीके से अब, और कहीं ना कहीं ये मैच कहाँ जाता। 1 आया अपोनेंट का, चलो अच्छा 1-2 ही आए उसका, और हम यहाँ पे 3 के साथ थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं, और 5 आ गए भैया, बच गए हम, बच गए। चलो 3 आया है आपको हमारा, और हम यहाँ पे होम वाली गोटी को चलेंगे।
देख रहे हो टाइम कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओवर हो रहा है भाई। और क्या यहाँ पे एक आया यार, चलो कोई ना स्टॉर्म करते हैं हम। एक अपोनेंट का भी आया है और अब देखते हैं चार। भाई क्या रिस्क लेनी चाहिए या छोड़ दूँ एक चांस? मुझे लगता है छोड़ना चाहिए, चलो एक चांस हम लीड छोड़ देते हैं हटाओ, क्योंकि भाई कट जाएगी ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी फिर। एक्स्ट्रा में हमें एक उसको टाइम मतलब कि टाइम भी दे देंगे एक बार चलने का, तो उसको भाई ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके मैच कुछ बनेगा। आठ पॉइंट वाले गोटी को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई इसको कटेगा तो भाई आठ चार बारह ही मतलब कटेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा हम रिस्क लेंगे ही, उसके बिना भाई कुछ होता नहीं है। और कहीं ना कहीं इस मैच में एक अच्छी खासी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी खासी हमारी पकड़ बन चुकी है। बस उम्मीद है कि इस 20 बचे हुए 25-20 सेकंडों में, और एक गोटी कट गई यार, और फिर से अपोनेंट के पास लीड चला गया। देख रहे हो ना ये उतार चढ़ाव वाला मैच ना भाई, ने बोला था ना भाई ये बहुत थ्रिलर होगा। तो आगे चलो देखते हैं हम। अपोनेंट चाहता तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करके मैच जीत सकता था, लेकिन उसने स्ट्रेटजी को अपनाया ही नहीं और वहीं पे बहुत बड़ी गलती कर दी अपोनेंट। और पांच आया हमारा और हम 208 पॉइंट पे तो ज़रूर पहुँच चुके हैं, लेकिन तीन आया अपोनेंट का। अगर देखो यहाँ पे टाइम पास कर दिया अपोनेंट पूरी तरीके से, एक नहीं आया था। ओ लो भैया ये थ्रिलर देख लिए, इसको बोलते हैं मोस्ट थ्रिलर मैच। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर देना और बताना कि ये वाली वीडियो डालनी चाहिए कि नहीं। फिर मिलते हैं, तो बाय बाय।